नोएडा में दुर्गा पूजा को लेकर बिल्डर और रहवासियों के बीच तनातनी का माहौल है। मामला बिसरखा इलाके के कासा ग्रीन वन सोसाइटी का है, जहां के लोग दुर्गा पूजन के लिए पार्क में पंडाल लगा चुके हैं। इनका आरोप है कि बिल्डर ने पूरे पार्क की बिजली काट दी है, जबकि एक महीने पहले ही बिल्डर को जानकारी दे दी गई थी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद भी उन्हें दुर्गा पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। रहवासियों ने प्रशासन और योगी सरकार से समस्या के समाधान की मांग की है। पुलिस बिल्डर के लिए आई थी, बिल्डर को बचाने पुलिस आई थी, बिल्डर को बचाने ट्वीट करो, अरे लाइट नहीं मिली, अरे वो सीएम ऑफिस में जो करो उस पर ट्वीट करो, इस वीडियो को हमारे पंडाल में आप देख सकते हैं कि हमारे पंडाल में अभी तक अंधेरा है। अब हमारा मूर्ति लाने का समय है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कैसे भी लाइट मिले। ठीक है, ये बिल्डर किस मानसिकता के साथ हमारे प्रोग्राम को, जो एक हिंदू भावना से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, हर सोसाइटी में आप देखेंगे ये प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, उसको किस लिए रोका जा रहा है? वो उसका कुछ ना कुछ मोटिव है इसके पीछे, एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का। हम लोगों को अगर पूजा कार्यक्रम करने से रोका जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है, और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें और भी बहुत सारे तरीकों से ये बिल्डर परेशान करता है।